ESW यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करते, किसी ना किसी अथॉरिटी भेज दें, मिठिया गोलियां दे दें। यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है, तो एक छात्र यूनिवर्सिटी के साथ ही प्रोटेस्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगने। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का घर है। यहाँ पर यहाँ यूनिवर्सिटी के छात्र संघों के कई यूनियन हैं, जो कई पार्टियां हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। चांसलर का घर का घिराव किया गया अभी कुछ समय पहले, इन्होंने मिलकर एडमिन ब्लॉक का भी घिराव किया, जिसके बाद अब ये चांसलर के घर के बाहर आए हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन में कोरोना वायरस के समय में जो छात्रों से फीस वसूली गई थी वो एक तरह से निरर्थक है। आइए हम कुछ यूनियन लीडर्स से और छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर ये यहाँ पर मौजूद हैं। अमनदीप, पिछले एक महीने तो लैके यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बार बार इतने अथॉरिटियां मंग पत्र दे चुके ने, बार बार इन्हों ये दस चुके ने भी इतने विद्यार्थियों को पैसे नहीं है फीसा भरन के लिए। दूजा फीसा कि गलों दी भरी है, जो यूनिवर्सिटी बंद पई है कोई भी यूनिवर्सिटी की चीज़ विद्यार्थियों वालों वरती नहीं जा रही, तो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासा के ड्रामे के नाम उत्ते फीसा वसूल रही है। हुण यही क्लासा जिहड़ियां ने मार्च ते अप्रैल दे महीने च क्यों नहीं लगियां, जदों अद्धा सिलेबस विद्यार्थियों का पिया सी ते फीसा इन्हां दीआं जेबां सी, सिर्फ हुण क्योंकि फीसा वसूलणियां इन्हां ने आपदे जिहड़े एम्पलॉइज़ ने उन्हां नूं तनखाह देनिया ते आपदियां जेबां भरनिया, सिर्फ इस करके विद्यार्थियों ते वाधू का बोझ पाया जा रहा, उन्हां नूं मजबूर किया जा रहा भी तुहाडे ढिड च रोटी पवे ना पवे पर तुसीं फीसां भरो। दूजा ऑनलाइन क्लासा की जिहड़ी इह गल करदे आ ते इन्हां नूं समझ लेना चाहीदा भी इत्थे ऑनलाइन क्लासा चलणगियां किवें, लैबां चल नहीं रही, प्रैक्टिकल जे ऑनलाइन हो सकते होंगे तो यूट्यूब तो पढ़ लेंदे, विद्यार्थियों नूं डिग्रियां तुसीं दे सकदे सीगे। इस लिए विद्यार्थी बार बार इस मंग ते इत्थे आ रहे ने भी जदों तक यूनिवर्सिटी च तुसीं विद्यार्थियों नूं बुला के क्लासा नहीं लाउंदे उदों तक फीसां नहीं भरनगे विद्यार्थी, ते इह सारे विद्यार्थी संगठन इहदे लई इकट्ठे ने। यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करते, किसी ना किसी अथॉरिटी भेज देंदे, मिठिया गोलियां दे देंदे ने, असीं जी गल करांगे फिर साडे नाल मीटिंग बुला ली, तुसीं साडे परिवार वर्गे हो, तुहाडे साडे बच्चों वर्गे हो, तुहाडा ध्यान रखांगे, पर तुसीं भी समझो यूनिवर्सिटी नूं घाटा बहुत आ, साडे कोल सैलरियां देण नूं पैसे है नहीं, वो पैसे असीं तुहाडी जेब चों ही कढणे आ, सरकारां तों असीं मंगणा नहीं, क्योंकि मोदी सरकार मोदी दा साडा पापा है, असीं उह तों जमा पैसे नहीं मंगणे हैगे। यही जिहड़ियां गल्लां ने भी कोविड इस वेले चार अहिजे होस्टल ने यूनिवर्सिटी दे जिहड़े इन्हां ने करोना वार्ड कन्वर्ट कीते होए आ, उहदे लई सरकार कोई पैसा नहीं दे रही, तो सारा फंड साढ़े फंड सारा पैसा जा रहा है। जे तुसी यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर वो वरत सकते हो तो यूनिवर्सिटी में वादू पैसा क्यों नहीं दिता जा सकता, 70 to 100 crore रुपए का जोड़ा घाटा पै रहा है, इन्होंने यूनिवर्सिटी आराम नाल सरकार तो ले सकती है, पर नहीं असी उन्होंने तो मंगना नहीं, विद्यार्थियों को तंग किया जा रहा है। कोई ठोस जवाब देंदे ही नहीं, बिल्कुल कोई थोड़े सामने आ, सानू इत्थे हो गया अद्धे घंटे आए नूं अंदर बैठ बैठ के बह जांदे आ ते पुलिस नूं मूहरे कर देंदे आ, विद्यार्थी आ एड्डे वड्डे वड्डे बैरीकेड लाए। सर पांच बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं पिछले एक महीने से, कितने लोग आपके यहाँ पे सारे जितनी पार्टीज़ हैं AKBP को छोड़ के जितनी भी पार्टीज़ हैं, जॉइंट पार्टी प्रोटेस्ट है, हर यूनियन से जितने भी चंडीगढ़ में लोग हैं जो कोरोना से आ सकते हैं दूर दूर से, अपनी जान का खतरा उठा के यहाँ पे आके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, अगर इतना ही ख्याल रखते हैं हमारा तो यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले ही प्रोटेस्ट में फैसला दे देते। तीन बार ये मीटिंग कर चुके हैं हमारे साथ, दो बार मीटिंग कर चुके हैं, अपनी पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, वहाँ पे कोई फैसला नहीं लेते, कह रहे हैं हम नीडी स्टूडेंट्स को दे देंगे, हमने इनसे मीटिंग में जवाब मांगा कि नीडी स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया क्या है, ये कोई बच्चे हैं, तीसरी क्लास की मीटिंग कर चल रही है यहाँ पे, हमने नीडी स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया मांगा कि क्या क्राइटेरिया होगा, कहते ओहो ये तो भूल ही गए, ये तो पूछना पड़ेगा कमेटी से, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, हम हर बारी जब प्रोटेस्ट आए धरना दे तभी होगा, कोई काम नहीं हो सकता। सर यही हमारी मांग है कि कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, इनको कोई हक नहीं बनता, दूसरा इतनी महामारी में इनको जो एक्स्ट्रा एक एफर्ट है वो लगाना चाहिए, सरकार से पैसे मांगने चाहिए, अगर एक छात्र यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है तो एक छात्र यूनिवर्सिटी के साथ भी प्रोटेस्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगने के लिए। यही हमारी मांग है कि फीसों को वापस करो, फीस नोटिस जो है, जब तक फीस नोटिस वापस नहीं होता तब तक हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। सर जैसे कि छात्र संघ के कई छात्रों प्रतिनिधियों ने बताया कि यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो फीस को लेकर जो एक अहम मुद्दा बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि फीस है वो लॉकडाउन के टाइम में यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने भी वसूली है उसके को लेके, उसकी माफ़ी को लेके ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज इन्होंने VC के घर को भी घिराव किया, उसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि जैसे
कई बार इन्होंने अपनी अर्जी प्रशासन तक दी गई है, दी है, उसके बाद कोई सुनवाई ना करने की वजह से अब ये इनके घर का घिराव कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।